स्मार्ट टेलीकॉम आपका अपना चैनल। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल है जिसे हम फ्लैश करेंगे, उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो स्टक हो रहा है। दोस्तों ये 7582 मॉडल है, ये देखिए मेरे पास इसकी फाइल अवेलेबल है। यहाँ पर मैं डिवाइस मैनेजर ओपन करके रखा हूँ। चलिए सबसे पहले मोबाइल को डाउनलोड मोड पर कर लेते हैं और अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। चलिए ओडिन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कनेक्ट नज़र आ रहा है, आपको लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं आप COM 38 में मेरा मोबाइल कनेक्ट है। चलिए सबसे पहले हम BL में जाते हैं जो कि बूट लोडर वाली फाइल है इसकी। ये देखिए डेस्कटॉप पे मैंने इसकी फ़ाइल रखी है GTS 7582। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले बूट लोडर वाली मैं फ़ाइल अपलोड कर लेता हूँ। चलिए इसके बाद AP वाली फ़ाइल हम ले लेते हैं यहाँ पर से। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मैंने मॉडेम को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर CP में मैं कोड वाली फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों, फाइल अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए जैसे ही अपलोड होती है इसके बाद CSC वाली फ़ाइल को भी हम ले लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको और सरल तरीके से, आसान तरीके से समझना है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट को दे देना है और यहाँ पर हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नीचे जो स्टार्ट का बटन दिख रहा है आपको, सैमसंग की जो फ्लैशिंग है बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप मॉडेम करके आ गया है, वहाँ पर से आपको हिडन फाइल्स, बूट इमेजेस, रिकवरी, इस तरह से यहाँ पर से फ्लैशिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों। और भी अगर सरल तरीके से, आसान तरीके से आपको समझना है तो हमारे और भी वीडियोस हैं सैमसंग के बारे में। फ्लैशिंग पूरे डिटेल में बताया गया है कि ड्राइवर किस तरह से इंस्टॉल करना है, टूल किस तरह से इंस्टॉल करना है, सैमसंग के मोबाइल को डाउनलोड मोड पर किस तरह से लाना है। तो आप और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे जो वीडियोस है दोस्तों हमारे चैनल पर और भी वीडियोस है, आप उसमें देखिए। FRP रिमूव करना है, पैटर्न लॉक हटाना है, हार्ड रिसेट करना है, आपको विदाउट बॉक्स फ्लैशिंग किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूट्यूब हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं UMD डोंगल को किस तरह से इंस्टॉल करना है, मिराकल को किस तरह से इंस्टॉल करना है, ड्राइवर्स आपको अपने कंप्यूटर में किस तरह से इंस्टॉल करना है, सैमसंग के कौन से ड्राइवर है, टूल किस तरह से इंस्टॉल करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहूँगा आपसे कि हमारी वेबसाइट है smarttelecom1.com.blogspot.com, यहाँ पर विज़िट करिए। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर विज़िट करिए आप। बहुत ही अच्छे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पर अवेलेबल है। आप एक अगर मोबाइल रिपेयरिंग कम्प्लीट सीखना चाहते तो हमारे इस वेबसाइट से आप बहुत ही बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये फ्लैशिंग हो रही है, थोड़ा सा हमको वेट करना है। दोस्तों सैमसंग के और भी बहुत सारे डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स आते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी हमारे चैनल पे उसके बारे में भी वीडियोस है। और FRP किस तरह से हटाना है, उसका पैटर्न लॉक किस तरह से हटाना है, अगर कुछ सैमसंग के ऐसे मोबाइल होते हैं जिसका पैटर्न हम रिमूव कर देते हैं जिसमें डाटा भी लॉस नहीं होता है, तो उसके ऊपर भी हमारे चैनल पर वीडियोज़ मिलेंगे आपको, वहाँ पर भी देखिए। और जियो का अगर नेटवर्क स्लो आ रहा है, कम आ रहा है या नहीं आपको सपोर्ट कर रहा है जियो की सिम, तो हमारे चैनल पर इसके भी वीडियो से आप देख सकते हैं। और हार्डवेयर के भी और सॉफ्टवेयर दोनों रिलेटेड वीडियो से आपको हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग किस तरह से देखना है उसके ऊपर भी आपको वीडियो से, MediaTek हो चाहे ओप्पो वीवो, और स्पेक्ट्रम की फ्लैशिंग किस तरह से करना है, क्वालकॉम की फ्लैशिंग किस तरह से करना है, मोटोरोला को हार्ड रिसेट किस तरह से करना है, माइक्रोमैक्स E45 को जो क्वालकॉम वाला CPU है उसके अंदर उसको किस तरह से फ्लैश करना है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। आप देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस है दोस्तों, सारे ड्राइवर्स के ऊपर वीडियो से किस तरह से इंस्टॉल करना है।
और भी बहुत सारे टूल्स है, एफआरपी रिलेटेड फास्टबूट टूल है, मिरेकल का क्रैक है, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टूल्स है। और डीसी मशीन के बारे में अगर जानना चाहते हैं, आप डीसी मशीन किस तरह से यूज़ करना है उसके ऊपर भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। अगर आप इंट्रो बनाना चाहते हैं या फिर काइन मास्टर किस तरह से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नीचे बेल आइकन का जो है दोस्तों, उसे भी प्रेस कर दें, आपको तुरंत हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही अपलोड होता है। तो चलिए दोस्तों, सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मोबाइल फ्लैश हो चुका है, ऊपर पास करके आ गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।